व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ये मूंगफली के दानों को माइक्रोवेव में और कढ़ाई में दोनों ही तरीके से सेकने का एकदम सिंपल तरीका शेयर करूँगी। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे दाने सेक करके रेडी हुए हैं। अगर आपके घर में भी कभी भी दाने ज़्यादा आ जाएं तो इनको आप सेक करके और ठंडा करके किसी भी तरीके के डब्बे में भर के रख दें और इनको आप आराम से साल भर तक यूज़ करें, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं। आपको तब भी ज़रूरत हो तो आप इनको निकाल के यूज़ कर लें। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये मूँगफली के दानों को सेकने का बहुत ही सिंपल तरीका शेयर करूँगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए ये मूंगफली के दानों को सेक लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने 1 किलो मूंगफली के दाने लिए हैं। आधा किलो दाने को तो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है और ये मैंने माइक्रोवेवल ट्रे ली है, आधे किलो दानों को मैंने ट्रे में ऐड कर दिया है। इन वाले दानों को तो हम माइक्रोवेव में सेकेंगे और इनको हम चूल्हे पर सेकेंगे। तो पहले इनको माइक्रोवेव में रख देते हैं। माइक्रोवेव को देखिए, माइक्रो मोड बटन को दबाएंगे। अब इसको हम 720 डिग्री पर सेट कर देंगे 8 मिनट के लिए। देखिए अब इसको हम स्टार्ट कर देंगे, तब ये दानों को सेकते हुए 5 मिनट हो जाएंगे। तो हम इनको खोल करके एक बार चेक कर लेंगे और इनको हम थोड़ा सा चला देंगे। अभी कढ़ाई को भी हम चूल्हे पर रख देंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे। अभी 2 मिनट हम फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम दानों को सेक लेंगे। तब आपको लगे कि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इनका कलर चेंज होने लगा है तो समझ लें कि आपके दाने सिक चुके हैं। ये देखिए इनको हाई फ्लेम पे सिकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इनको सेक लेंगे। तब आपको लगे कि आपके दाने सिक चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से एक दाना लें और इसको ऐसे मस लें, अगर इसका छिलका आसानी से हट जाए तो समझ लें कि आपके दाने सिक चुके हैं। इनको सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप जितनी स्लो फ्लेम पे इनको सीखोगे उतने ही आपके दाने अच्छे सीखेंगे। तभी आपके दाने सीख जाएं। तो आप इनको ठंडा करके किसी भी डब्बे में भर के रख दें, इनको आप आराम से साल भर तक यूज़ करें, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं। माइक्रोवेव में दानों को सेकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम चेक कर लेंगे। इनको बीच में इस तरीके से चलाने से क्या है, हमारे दाने सब तरफ से अच्छे से सिकेंगे। चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हम इनको करीब 2 मिनट और सेकेंगे। माइक्रोवेव को बंद कर देंगे, एक प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। गर्म है, ध्यान से पकड़ें इसको। ये देखिए दाने सिक चुके हैं, अभी हम इनको ठंडा होने देंगे। इन दानों को देखिए लो फ्लेम पर सिकते हुए करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इनका छिलका आसानी से उतरने लगा है, इसके मतलब कि दाने भी सीख चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, इन वाले दानों को भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अगर इनको हम कढ़ाई में छोड़ देंगे तो और ज़्यादा सीख जाएंगे। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इनको किसी भी डब्बे में भर करके रख देंगे। तो आप भी इस तरीके से कभी भी ज़्यादा घर में मूँगफली दाने ले आएँ तो उनको सेक करके रख दें। इनको सेक के रखने से क्या है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपको मेरे मूंगफली दानों को सेकने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।